पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु बाद जरासव नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लच्छे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लच्छा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। CRPF व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकलता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज़ को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आँख में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। ब्रह्म पदार्थ का वैज्ञानिक विश्लेषण, ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या हो सकता है। हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है, जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? तो वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश करते ही बेजान शरीर धड़कने लगता है? इसके बारे में विज्ञान आज तक नहीं जान सका, जबकि हमारे ऋषियों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था, जिसे सनातन में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया गया था। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना का विस्तार करती है। तो प्राण ऊर्जा मूल है और असीमित भी। इस ऊर्जा के प्रयोग की क्षमता उस शरीर पर है कि वह किस सीमा तक वह कितनी कर पाता है। यह प्राण ऊर्जा सृष्टि की सर्जनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम शरीर को एक ट्रांसफॉर्मर मान लें और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर है कि वह 220 वोल्ट तक की ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, या 21,000 वोल्ट तक की। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवंतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके
जीवित रहते ही शरीर से बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है, फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश के मार्ग तक को भी, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी बाधा नहीं रहा। वो इसी प्राण ऊर्जा पम चमत्कार से संभव है, या फिर उनके द्वारा किसी को आशीर्वाद या श्राप देने पर तुरंत फलित हो जाने के बारे में तो जरा सोचिए कि जिस कृष्ण को पूर्णावतार माना गया, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। वहीं आज रहस्यमय तरीके से पूरी की मूर्तियों और मंदिरों में हमें किंचित मात्र दृष्टि गोचर होती है।